नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुंधला दिखने के बारे में, यानी कि ब्लर्ड विजन के बारे में। दोस्तों, धुंधला व साफ न दिखना एक बहुत ही आम समस्या है और आम तौर पर इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। धुंधला दिखने का मतलब यह हो सकता है कि आपको अपना चश्मा या फिर कॉन्टैक्ट लेंस बदलवाने की आवश्यकता है। हालांकि थोड़े थोड़े समय में धुंधला दिखना किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है और कुछ बीमारियों के कारण भी आपको अचानक से धुंधला दिखने लग सकता है और यह समस्या कुछ समय के लिए भी रह सकती है या फिर लंबे समय तक भी आपको प्रभावित कर सकती है और समय के साथ और भी बिगड़ सकती है। ज़्यादातर मामलों में धुंधली दृष्टि किसी सामान्य कारण की वजह से होती है और इसका इलाज संभव होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, धुंधला दिखने का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एस्टिगमेटिज्म जैसे विकारों के लिए चश्मे और लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर आपको धुंधला दिख रहा है और आप इसके लिए कोई उपचार नहीं लेते तो स्थिति बिगड़ सकती है और आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। दोस्तों, बात की जाए इसके लक्षणों की तो कुछ मामलों में धुंधला दिखने के साथ साथ एक या दोनों आंखों में कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जिसका कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कि आंखों में दर्द होना, आंखों से रिसाव होना, आंखों के साइड से न देख पाना, सीधा न देख पाना, रात में ठीक से न देख पाना, आंख अधिक लाल हो जाना, आंखों का सूख जाना, आंखों में खुजली होना, अधिक आंसू निकलना, आंखों से खून निकलना, पास की नज़र कमज़ोर होना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता यानी कि फोटोफोबिया होना, आंखों के सामने धब्बे या फिर तैरती हुई चीज़ें देखना जिसे हम फ्लॉटर्स या फिर स्पॉट्स कहते हैं। और दोस्तों, बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर आपको अचानक धुंधला दिखने लगता है और कुछ लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे कि शरीर के एक साइड की मांसपेशियों को नियंत्रित ना कर पाना, चेहरे की त्वचा का लटक जाना, तेज सिरदर्द होना, बोलने में दिक्कत, देखने में कठिनाई, अचानक दिखना बंद हो जाना, आंखों में बहुत तेज दर्द होना, और ये जो लक्षण है ये स्ट्रोक के जैसे ही होते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि धुंधला क्यों दिखता है। तो धुंधला दिखने की वजह मामूली या फिर किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है और इसके कुछ मुख्य कारणों की बात करें तो आंखों में सूखापन यानी कि ड्राई आई सिंड्रोम, उसमें आपकी आंखें पर्याप्त आंसू नहीं बनाती है जिससे कि आपको धुंधला दिखने लगता है। बात है दोस्तों, आंखों पर दबाव होना, तो कभी कभी नींद पूरी न होने या ज्यादा देर धूप में रहने से आंखों पर बहुत अधिक दबाव बनता है जिससे उस समय के लिए धुंधला दिखने लगता है और यह आराम करने से ठीक हो जाता है। नज़र कमज़ोर होने की बात करें तो दूर या पास की चीज़ें देखने में समस्या होने से धुंधला दिख सकता है। एस्टिगमेटिज्म की बात करें तो उसमें कॉर्निया, उसकी गोलाई जो है वो सामान्य नहीं होती और जिससे कि दूर की चीज़ें धुंधली दिखने लगती है। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन के कारण आंखों की आकृति बदलती है जिससे कि धुंधला दिख सकता है। माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन में सिरदर्द होने से नज़र पर भी असर पड़ता है जिससे कि धुंधला दिख सकता है। दवाएं और सर्जरी की बात करें तो कुछ खाने वाली व आंख में डालने वाली दवाओं से धुंधला दिख सकता है और यह समस्या नज़र के लिए की जाने वाली लैसिक सर्जरी के कारण भी हो सकती है। फ्लॉटर्स की बात करें तो आंखों के सामने तैरती हुई चीज़ें देखने से धुंधला दिख सकता है और यह समस्या ज़्यादातर उम्र के साथ होती है, लेकिन अचानक से फ्लॉटर्स दिखने पर अपने डॉक्टर के पास जाएँ। लेंस या चश्मे की बात करें तो गलत नंबर के लेंस या चश्मे पहनने से या अधिक समय तक लेंस लगाकर रखने से धुंधला दिखने की समस्या हो सकती है। और इसके कुछ अन्य गंभीर कारणों की बात करें तो उसमें है स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अन्य कारण जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, आंखों का इन्फेक्शन और बीमारियां, मोतियाबिंद ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया या फिर शुगर। दोस्तों, बात की जाए इसके जोखिम कारकों की तो आंखों से धुंधला दिखने का खतरा कुछ स्थितियों में बढ़ जाता है, जैसे कि हाल ही में आँख की सर्जरी होना या चोट लगना, आँखों की दवाएँ लेना, धूम्रपान करना, बुढ़ापा होना, शुगर होना, गर्भावस्था, हार्ट रोग होना, चिंता या तनाव होना, सही आहार न लेना, तंत्रिकाओं से संबंधित समस्याएं होना, आंखों पर दबाव पड़ना, माइग्रेन या फिर बार बार सिरदर्द होना, आंखों का सूखापन होना, गर्भावस्था के दौरान मां को कोई इन्फेक्शन होना, 30 हफ्तों के समय से पहले जन्म हो जाना, जन्म के समय वजन 1500 ग्राम से कम होना, सिकल सेल एनीमिया यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का सख्त हो जाना, हाई बीपी होना, थायराइड होना, आँख का इन्फेक्शन होना, ज़्यादा समय के लिए धूप में रहना, परिवार में से किसी को आँखों से संबंधित समस्याएँ होना या फिर परिवार में से किसी को चयापचय या फिर आनुवंशिक संबंधी समस्याएं होना, तो इन वजहों से धुंधला दिखने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, बात करें कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है तो धुंधली दृष्टि के कुछ कारणों से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अपनी आंखों की देखभाल करने से जीवन शैली के कारण होने वाला दृष्टि का धुंधलापन रोका जा सकता है। तो स्वस्थ नज़र बनाए रखने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि बहुत अधिक या कम रोशनी में काम करने से आंखों पर दबाव पड़ता है तो ऐसी रोशनी में काम करें जिसमें आपकी आंखें पूरी तरह से खुल पाए और उन पर कोई दबाव ना बने।
धूप में बाहर जाते समय आंखों पर धूप का चश्मा पहने, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए से भरपूर आहार लें, सिगरेट ना पिए, अपनी आंखों की नियमित जांच कराएं, खासकर अगर आपके परिवार में किसी को कोई आंखों से संबंधी समस्या है तो, और इन्फेक्शन से बचने के लिए लेंस लगाते और उतारते समय अपने हाथ धोएं। घर में पेंट व रिपेयर जैसे काम करते समय और भारी मशीन चलाते समय आंखों पर चश्मा पहने। अगर आप कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं या किताब पढ़ते हैं तो हर 15 मिनट में अपनी आंखें उनसे हटाकर कहीं और देखें, जिससे कि आंखों को आराम मिलेगा। नींद पूरी न होने से धुंधला दिख सकता है और इसीलिए पर्याप्त नींद लीजिए। अगर चिंता के कारण आपको धुंधला दिखता है तो चिंता कम करने के लिए मनोचिकित्सक से बात करें, व्यायाम करें और डॉक्टर से बात पूछकर दवाई लीजिए और मेडिटेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि धुंधला दिखने के क्या परीक्षण होते हैं, उसका कैसे निदान किया जाता है। तो धुंधला दिखना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है या किसी समस्या का लक्षण होता है। इस समस्या का पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर सबसे पहले आपके लक्षणों की जांच करेंगे और आपकी व आपके परिवार के सदस्यों की आंखों से संबंधित समस्याओं की भी पूछताछ करेंगे। तो धुंधली दृष्टि की वजह का पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर कुछ परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। उससे यह पता चलता है कि खून में कोई बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं। आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की गिनती का भी पता लगा सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का पता चलता है। रिफ्रैक्शन टेस्ट, तो इस टेस्ट से लेंस और चश्मे के लिए आपकी आंखों के नंबर का पता चलता है और इसमें आपको एक चार्ट पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिससे कि यह पता चलता है कि आपको चश्मे की ज़रूरत है या नहीं। टोनोमेट्री, तो इस परीक्षण में आपको पूरी आंखें खोलकर सामान्य तरह से सांस लेने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर एक उपकरण के प्रयोग से एक एक करके आपकी दोनों आंखों के दबाव को देखते हैं। और स्लिट लैम्प टेस्ट, तो इस परीक्षण में आपके डॉक्टर एक मशीन की मदद से आंख के आगे और पीछे की बनावट को देखेंगे और इस परीक्षण से उन्हें यह पता चलता है कि आंख जो है वो ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं। अब दोस्तों बात की जाए इसके इलाज की, तो धुंधला दिखने का उपचार इसकी वजह पर निर्भर करता है। फ्लोटर्स की बात करें तो आंखों के सामने तैरती हुई वस्तुएं दिखना अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक न होने पर इसके लिए लेजर सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। और इस सर्जरी में लेजर की किरणों का उपयोग करके फ्लोटर्स को ठीक किया जाता है, जिससे या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर उनसे होने वाली परेशानी कम हो जाती है। बात करें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिगमेटिज्म या फिर प्रेसबायोपिया की, तो इन समस्याओं के कारण दृष्टि में होने वाले धुंधलेपन को आमतौर पर चश्मे या फिर लेंस से ठीक किया जाता है और इनके इलाज के लिए सर्जरी का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें चश्मा या फिर लेंस लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ड्राई आई सिंड्रोम की बात करें तो आंखों के सूखने पर आर्टिफिशियल आंसुओं के उपयोग से आंखों में नमी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में दवाओं की और ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जो आंसू बाहर निकालने वाली नली को बंद करते हैं और आंख की नमी बढ़ाते हैं। थकान की बात करें तो पूरी नींद लीजिए और कोशिश करें कि आपकी आंखें सूखे नहीं व थकान ना हो। अगर आवश्यकता है तो अपने डॉक्टर से पूछकर आंखों में नमी बनाने वाली दवाओं का प्रयोग करें। शुगर की बात करें तो अगर आपको शुगर के कारण अचानक धुंधला दिखने लगा है तो आपको दवाओं या फिर अन्य उपायों से शुगर को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अचानक धुंधला दिखना एक सामान्य समस्या हो सकती है जो अपने आप ठीक हो जाती है, हालांकि दोहरा दिखना या एक सीध के अलावा साइड में कुछ न देख पाने का मतलब एक गंभीर समस्या हो सकती है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। अब दोस्तों बात करें धुंधले दिखने के नुकसान की, तो अगर आपको किसी नज़र की समस्या के कारण धुंधला दिख रहा है तो यह आसानी से ठीक किया जा सकता है। हालांकि अगर आपको शुगर, ग्लूकोमा या मोतियाबिंद के कारण धुंधला दिख रहा है और आप इसके लिए कोई इलाज नहीं ले रहे हैं तो इससे गंभीर जटिलताएं हो सकती है और आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि एक आंख से धुंधला क्यों दिखाई देता है। तो एक आंख से धुंधला दिखाई देने के कई कारण होते हैं। सबसे आम है आंख के लेंस में किसी प्रकार की कमजोरी या खामी, जैसे कि दूर या फिर पास से दिखाई देने में कठिनाई होती है। इसके अलावा आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, माइग्रेन का सिरदर्द या मोतियाबिंद की वजह से भी धुंधला दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।